चाहूंगा क्या 54 साल हो गए सांस लेते लेते, लेकिन पहली दफा समझ आई कि 54 साल में सांस ही गलत देते रहे। ठीक तरीके से सांस कैसे लेनी है वो यहाँ फर्स्ट टाइम आकर के सीखा। इससे पहले भी मैंने योगा किया, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉलर हूँ और बहुत सारे एक्सरसाइजेस करी, योगा भी करा, लेकिन यहाँ आकर के बहुत डिफरेंस मिला। बाई चांस ट्रैकिंग करते टाइम एक दफ़ा पहाड़ से गिरा और वो सारी एक्टिविटीज़ मेरी बंद हो गई, लेकिन यहाँ आकर के फिर दोबारा से एक नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई थी। एक आज से 3 महीने पहले सडनली हार्ट प्रॉब्लम हुई और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई थी कि शायद ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, पता नहीं किस दिन क्या हो जाएगा। बट मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मान रहा हूँ कि यहाँ इन 6 दिनों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैं इन चेंजेस को लंबे टाइम तक ले जाऊँगा, और अगर नहीं ले जा पाया तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास जल्दी से जल्दी आके आपको दोबारा तंग करूँ। एक थोड़ा सा मेरा सजेशन है कि हमारा जो शेड्यूल है, अगर आप उसमें 30-40 मिनट की सुबह की वॉक ऐड कर सकें तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए बेटर होगी, क्योंकि डॉक्टर मनचंदा जो मेरे डॉक्टर हैं उनका ये सजेशन है कि आप लोगों को 40 मिनट रोज़ वॉक करनी चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि आपने जो शेड्यूल बनाया बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया होगा, बट अगर ये हम थोड़ा सा इस चीज़ को ऐड कर पाए इसके अंदर, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर गुप्ता, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, शर्मा जी, शर्मा जी और मुकेश जी को आदरणीय कहना या डॉक्टर साहब को आदरणीय कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उम्र में बड़े हो गए, आप अभी भी मुझसे बहुत जवान हैं, लेकिन आपके गुण बहुत हैं इसलिए आप सब लोगों को मैंने आदरणीय कहा। प्लीज़ इस एफर्ट को मेंटेन करिए और कोशिश करिए कि ये मैसेज, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि एडवर्टीजमेंट नहीं है, करिए ज़रूर ताकि हम जैसे लोग इसका आगे इन फ्यूचर फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू।